दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम मैं हूं यहां का होस्ट और आपका दोस्त राजू पांडे स्वागत करता हूं आपके फेवरेट फेवरेटू मंत्रा में सो so, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर इन टू इसका एक्सरसाइज नंबर 3.4 एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो ये सेशन में एलिमिनेशन मेथड करने वाले हैं तो इसके पूरे जानकारी के लिए सेशन के एंडिंग तक बने रहे मतलब वीडियो पूरा देखेंगे तो पूरा जानकारी हो पाएगी सो लेट एस स्टार्ट द सेशन तो सेशन स्टार्ट करने के लिए हम लोग लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 3.4 एक्सरसाइज सो फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है देख लेते हैं दोस्तों सो हियर इट कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड भी करना है एंड सब्सटीट्यूशन मेथड भी करना है तो मैं आज सिर्फ करवाऊंगा आपसे एलिमिनेशन मेथड मेथड आप, method, आप substitution method करेंगे और कमेंट सेक्शन में डालेंगे बिकॉज हमने सब्सिट्यूशन मेथड सीख लिया है इसके पहले वाले एक्सरसाइज का सो लेट अस सी एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव अब देखिए कोई भी मेथड का सोल्यूशन निकालने के लिए कोई भी लाइंस का सोल्यूशन दो लाइंस दिया हुआ है निकालना है इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए तो देख लेते हैं पहले लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है हमने पढ़ा था कि वन सोल्यूशन होगा तो ही हम क्या निकालने वाला है उसका सोल्यूशन निकालने वाले हैं यूनिक सोल्यूशन होगा तो ही एक सोल्यूशन मिलेगा सो लेट अस सी कि लेटे टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अब बी टू यह हमको देखना पड़ेगा हमेशा सो दिस दिस ये इज इक्वेशन नंबर वन दिस इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव एंड सेकेंड वाला टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू फोर दिस इज इक्वेशन नंबर टू ये दोनों इक्वेशन लिख लिया हमने अब कोई भी एक तो एक्स का नहीं तो वाई का कोई भी सेम कर देंगे देखिए एलिमिनेशन मेथड नाम है तो नाम से कुछ ना कुछ तो भाई रिलेशन होता ही है अब देखिए एलिमिनेशन मेथड है मतलब एक तो एक्स को एलिमिनेट करेंगे या फिर वाई को एलिमिनेट करेंगे मतलब हटा देंगे एडिशन या सबस्ट्रैक्शन करने से एक तो एक्स का वैल्यू एलिमिनेट हो जाए वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए या फिर वेरिएबल एलिमिनेट एलिमिनेट हो जाए दिस मेथड मेथड तो उसके लिए लिए होने के लिए, क्या करना है वो ध्यान में रखिए अब सोल्यूशन निकालते so तो निकाल सकते हैं so, देखो कैसे? अब एक तो एक्स का कोई सेम करना है या फिर वाई का कोई विजन सेम करना है तो देखिए हम अगर वाई का कोई विजन सेम करते हैं यहां पे थ्री है वाई यहां पे वन है वाई ये अगर थ्री यहां लाना है सो तो इक्वेशन वन को टोटल को थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप ध्यान में रखें ये कि कोई एक ना एक तो एक्स का कोई नहीं तो वाई का कोई दोनों में से किसी ना किसी एक को सेम करना है यहां फिलहाल हम लोग वाई को सेम करते हैं वाई को सेम करने के लिए यहां पे थ्री है यहां पे थ्री लाने के लिए इक्वेशन वन को टोटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री से सो इक्वेशन वन इज मल्टीप्लाइड बाई थ्री अब देखिए वन इंटू थ्री विल बी थ्री एक्स वन इंटू थ्री ये वन एक्स इंटू थ्री विल बी थ्री एक्स वन वाई इंटू थ्री विल बी थ्री वाई अब देखिए हम थ्री इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किसको को फाइव को भी हर एक टर्म को फाइव थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो फाइव थ्री फिफ्टीन दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री अब देखिए होने के बाद में यहां पे क्या दिख रहा है वाई का कोईफिशंट सेम इधर भी वाई का क्वेश्चन थ्री 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 सेम है क्विफिशंट सेम है बट साइन आर डिफरेंट माइनस है और प्लस है हमको मालूम है अगर ये दोनों इक्वेशन को हमने एड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री वाई ये प्लस थ्री वाई लाइक टर्म्स एड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कैंसल जीरो वाई बचेगा इसका मतलब वाई एलिमिनेट हो जाएगा मतलब ये दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन थ्री जब ऐड कर रहे हैं तो वाई एलिमिनेट हो जाएगा दैट्स वाई दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड So, लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री इसका मतलब इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन थ्री सो दिस इज टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू फोर एंड दिस इज थ्री एक्स प्लस टू फिफ्टीन एड कर रहे हैं दोस्तों एड कर रहे हैं नाउ दिस इज टू एक्स प्लस थ्री थ्री एक्स विल बी फाइव एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री वाई कैंसल्ड जीरो इज इक्वल टू फिफ्टीन प्लस फोर इज नाइनटीन ई देअर फोर एक्स विल बी इक्वल टू नाइनटीन अपॉन फाइव 5 इन टू में था सामने गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा सो so 19 बाई फाइव एक्स का वैल्यू मिल गया अब x का वैल्यू मिल गया मतलब देखिए अभी यहां कैंसिल होके वाई एलिमिनेट हो गया इसलिए मेथड का नाम क्या था एलिमिनेशन मेथड इसके पहले हमने ग्राफिकल भी किया इसके पहले वाले वीडियो में हमने सब्सटीट्यूशन भी कर लिया अब देखिए अब क्या पढ़ रहे एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके वाई एलिमिनेट हुआ यहां पे एक्स की वैल्यू मिल गई एक्स की वैल्यू मिलने के बाद में वाई तो निकालना पड़ेगा ना तो so, वाई का वैल्यू निकालने के लिए एक्स का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डालिए कौन से में डालें पहला वाला सबसे इजी है सो फर्स्ट वालते हैं सब्सटीट्यूटिंग एक्स इक्वल टू नाइनटीन बाई फाइव इन इक्वेशन वन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव एक्स के जगह पे नाइनटीन बाई फाइव प्लस वाई इक्वल टू फाइव सो वाई विल बी को एक साइड रखा बाकी सब कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरे साइड फाइव प्लस नाइनटीन बाई फाइव इक्वल टू क्रॉस कर रहा है सो दिस इट विल बी माइनस नाइनटीन बाई फाइव अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन

एक्टेक्स वाई मिल गया मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी टू लाइंस दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया सो so लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब में पहले X का वैल्यू दैट इज नाइनटीन बाई फाइव देन वाई का वैल्यू सिक्स बाई फाइव बहुत सिंपल था दोस्तों बहुत सिंपल था है ना अब देखते हैं आगे और क्या क्या और कैसे कैसे करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड में ऐसे ही देखिए एलिमिनेट होना ही है तो ऐड कब करना है जब कोई सेम हो साइन ऑपोजिट हो तो ऐड करेंगे तो वो दोनों एलिमिनेट हो जाएगा अब देखिए यही सेम क्वेश्चन को जैसे हमने y का वाई सेम करके किया ये सेम क्वेश्चन को x का एक्स सेम करके कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं सो सेम क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग सब्स्टिट्यूशन यहां पे नहीं करने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको करके और कमेंट सेक्शन में डालनी है सो so, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड yes, ये वीडियो में पूरा एलिमिनेशन मेथड ही मैं सिखाने वाला हूं सो so, ये सेम क्वेश्चन है इसके पहले वाले में हमने क्या किया कि y का कोई सेम किया अब क्या करेंगे x का एक्स सेम करके देखेंगे सो so, पहले लिख लेते हैं इक्वेशन सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू फाइव दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू फोर इक्वेशन नंबर टू हम पहले चेक कर चुके दिस लाइंस आर गोइंग तो टू बी इंटरसेक्टिंग एंड और एक बात और एक बात सब वेरिएबल एक साइड कॉन्स्टेंट सब दूसरे साइड मतलब सी वाला वैल्यू एक साइड और जितने भी एक्स वाई वाले वैल्यू एक साइड देखिए यहां पे तभी हमने इक्वेशन वन इक्वेशन टू डाला है ना तो वही इसमें कर लिया अब हमको एक्स का कोइफिशिएंट सेम करना है यहां पे टू है यहां वन है वन को टू लाने के लिए टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू आ जाएगा मतलब ये टोटल इक्वेशन वन को से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमको यहां पे भी एक्स का वैल्यू एक्स का सेम मिल सके टू मिल सके सो so बस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई टू सो टू इंटू वन एक्स विल बी टू एक्स टू इंटू वन वाई विल बी टू वाई इक्वल टू टू फाइव टेन दिस इक्वेशन थ्री मिलने के बाद में अब क्या करेंगे देखेंगे यहां भी टू एक्स यहां भी टू एक्स x. X की सेम हो गई बट साइन भी सेम है इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है अगर ऐड कर दिया तो ऐड हो जाएगा फोर हो जाएगा एलिमिनेशन एलिमिनेट नहीं होने वाला तो इसको एलिमिनेट करने के लिए सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस करेंगे तो साइन ऑपोजिट आ जाएगा और क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा टू एक्स और माइनस टू एक्स सो तो जब भी, भी कोई फिशन का साइन सेम हो कोई फिशन का साइन भी सेम हो कोई फिशन सेम हो गया अब उसका साइन भी सेम रहेगा तो क्या करने वाले हम लोग माइनस करने वाले हैं क्या करने वाले हैं माइनस तो ध्यान में रखें इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन थ्री नाउ दिस इज टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू फोर दिस इज टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टेन माइनस कर रहे हैं दोस्तों माइनस इसका मतलब नीचे वाले का हर एक का साइन चेंज हो जाएगा दिस इज प्लस था तो माइनस प्लस था तो माइनस ये भी प्लस था तो माइनस अब इसका साइन माइनस इसका साइन माइनस इसका साइन भी माइनस सिंपल अब करके देखते हैं दिस इज प्लस टू एक्स दिस इज माइनस टू एक्स है ना सिंपल एलिमिनेट हो गया एक्स का वैल्यू एलिमिनेट हो गया मतलब वाई का वैल्यू मिल जाएगा अब माइनस थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई माइनस टू वाई दोनों का साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा फाइव वाई बट साइन ऑफ द बिगर नंबर इज नेगेटिव सो माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू फोर माइनस टेन इज माइनस सिक्स डिफरेंट डिफरेंट साइन ये प्लस है ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस होगा टेन में से फोर जाएगा एंड द द साइन ऑफ़ बिगर नंबर इज नेटिव सो नेगेटिव सिक्स सिंपल अब माइनस माइनस कैंसल्ड सो वाई विल बी इक्वल्स टू दिस इज सिक्स ये इंटू फाइव है सामने जाएगा तो अपॉन फाइव हो जाएगा दोस्तों सिंपल है ना अब y का वैल्यू मिलने के बाद में y का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे कोई भी एक इक्वेशन में फर्स्ट वाला इजी है तो फर्स्ट वाले में डालेंगे जो भी इजी हो उसमें डाल के x का वैल्यू निकाल ले दूसरा वैल्यू निकाल ले सो so, सब्सटीट्यूट y इक्वल टू सिक्स बाई फाइव इन इक्वेशन वन सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू फाइव सो एक्स प्लस वाई इज सिक्स बाई फाइव टू फाइव एक्स विल बी फाइव प्लस सिक्स बाई फाइव इक्वल टू क्रॉस करेगा सो इट विल्स बाई फाइव सो फाइव ट्वेंटी माइनस सिक्स अपॉन फाइव सो एक्स विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स इज नाइनटीन नाइनटीन बाई फाइव है ना सो एक्स की भी वैल्यू मिल गई एक्स की वैल्यू मिल गई इसका मतलब क्या है इंटरसेक्शन मिल गया मतलब सोल्यूशन ऑफ द लाइंस मिल गया solution is what? X, X कितना मिला है सिंपल अगर ये पसंद आया तो जल्दी जल्दी ठोको पहले उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड देते हैं बिकॉज हम मेथड नहीं करने वाले ये वीडियो है ओनली फॉर एलिमिनेशन मेथड्स सो देखते हैं क्वेश्चन इज थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू टेन दिस इज इक्वेशन नंबर वन एक्स वाई सब एक साइड है टेन सब एक साइड है नाउ दो सेकेंड वाला टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू टू दिस इज इक्वेशन नंबर टू दो इक्वेशन मिल गए अब एक तो एक्स का कोएफिशिएंट सेम करो नहीं तो वाई का सेम करो अब देखिए कैसे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके करना ही है अब देखिए यहां पे फोर है ये टू है ये फोर लाने के लिए इंटू टू करेंगे तो फोर हो जाएगा मतलब इक्वेशन टू को जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर हो जाएगा सो टू टू झा फोर एक्स टू टू जा फोर वाई एंड टू इंटू टू विल बी फोर मतलब हर एक टर्म को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई कर दिया दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री नाउ दिस बट साइन आर डिफरेंट को बट साइन कैसा है अलग अलग साइन है मतलब डायरेक्टली एड किया तो कैंसिल हो जाएगा फोर वाई फोर वाई फोर वाई माइनस फोर वाई कैंसिल हो जाएगा एड किया तो बस एड कर दो सो इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन थ्री एड कर देते हैं थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू टेन एंड इक्वेशन थर्ड वाला फोर एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू फोर अब क्या करेंगे एड कर रहे हैं थ्री प्लस फोर विल बी सेवन एक्स प्लस फोर वाई माइनस फोर वाई कैंसल दिस इज टेन प्लस फोर इज फोर्टीन अब एक्स का वैल्यू निकालना है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए एक्स इज इक्वल टू सेवन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई फोर्टीन बाई सेवन सो एक्स इक्वल टू सेवन टू जोटीन एक्स की वैल्यू मिल गई x की वैल्यू मिल मिलने के बाद में वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y सो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन कोई भी एक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू डालेंगे तो वाई की वैल्यू आपकी मिल जाएगी अब एक्स की वैल्यू सबसे सिंपल तो सेकंड वाला दिखाई दे रहा है तो सेकंड वाले में डाल दीजिए सो दिस इज टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू टू एक्स के जगह पे टू डाल देते तो टू इंटू टू माइनस टू इंटू वाई इक्वल टू 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 माइनस टू वाई इक्वल टू टू अब कांस्टेंट कांस्टेंट के पास सो माइनस टू आई इक्वल टू टू यह प्लस फोर है इक्वल टू क्रॉस कर रहा है तो माइनस फोर सो माइनस टू आई इज इक्वल टू टू माइनस फोर विल बी माइनस टू टू माइनस फोर कितना आएगा माइनस टू माइनस माइनस कैंसल्ड वाई इक्वल टू टू अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लाई टू सो वाई विल बी इक्वल टू वन वाई की वैल्यू मिल गई एक्स वाई दोनों मिल गया मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस मिल गया मतलब सोल्यूशन मिल गया सोल्यूशन क्या मिला सोल्यूशन मतलब एंड एंड सिंपल हो गया काम खत्म है ना द अब ये होने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं हम मेरे हिसाब से आपको एलिमिनेशन मतलब एटलीस्ट समझ में तो आ गया क्या करना है कैसे एलिमिनेट करना है तो जब भी भी आप ध्यान में रखें कि कोईफिशंट सेम होने के बाद में जब भी एक तो एक्स का नहीं तो वाई का क्वेश्चन सेम करना है स्टेप्स ध्यान में रखें एक तो तो का 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 नहीं सपोज तो सपोज करो सेम किया उसका साइन के ऊपर देखना है साइन दोनों सेम होगा तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो साइन अलग होके कैंसिल हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा या फिर दोनों साइन अलग अलग होगा जो क्विफिशन सेम है जिसका उसका साइन अलग अलग होगा तो एड कर देंगे तो भी वो दोनों कैंसिल हो जाएगा सो दिस इज एलिमिनेशन मेथड अगर आपको अभी तक का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो लाइक करो जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा है सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं करेंगे अब देखिए दिस इज इक्वेशन लिख लेते हैं थ्री एक्स माइनस फाइव आई माइनस फोर इक्वल टू जीरो मैंने जैसे बताया था सब वेरिएबल एक साइड लिखेंगे तो थ्री एक्स माइनस फाइव आई एक साइड C को उधर उधर जाएंगे दिस इज गया तो प्लस फोर इक्वल टू क्रॉस किया दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर वन अब उसके बाद में इक्वेशन नंबर टू नाइन एक्स इक्वल टू टू प्लस एक्स लिख दिया प्लस टू वाई टू क्रॉस करवाना पड़ेगा मैंने बोला था सब वेरिएबल एक साइड होना चाहिए सो so, ये प्लस टू वाई इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस टू वाईक्वल टू क्रॉस कर दे तो साइन चेंज इक्वल टू सेवन दिस इज इक्वेशन नंबर टू अब कोई भी एक कोई एक तो वाई का नहीं तो एक्स का देखिए एक्स का इधर दिख रहा है इधर है ये थ्री का मल्टीपल है मतलब लाने थ्री से कर दे, तो हो काम गदम है ना मतलब इक्वेशन वन को अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स का कोट नाइन हो जाएगा सो so, इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई थ्री इंटू थ्री विल बी नाइन एक्स थ्री इंटू फाइव बी विल बी फिफ्टीन वाई थ्री इंटू फोर विल बी थ्री फोर ट्वेल्व नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री बहुत सिंपल अब देखिए नाइनस प्लस नाइन एक्स यहां भी प्लस नाइन एक्स को सेम हो गया बट साइन ऑफ दिश आर ऑल्सो सेम अब कैंसिल कैसे हो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तब साइन अलग हो जाएगी और कैंसिल हो जाएगा है ना एलिमिनेट हो जाएगा इसका मतलब इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन थ्री करना पड़ेगा तब जाके साइन अलग हो जाएगी और वो कैंसिल हो जाएगा नाउ दिस इज नाइन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सेवन एंड दिस इज नाइन एक्स माइनस टू साइन चेंज करेंगे बिकॉज माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस था तो माइनस माइनस था तो प्लस प्लस था तो माइनस सबका साइन चेंज हो गया नाउ दिस इज प्लस नाइन एक्स माइनस नाइन एक्स कैंसिल दिस इज टू माइनस टू प्लस फिफ्टीन विल बी थर्टीन वाई प्लस थर्टीन वाई माइनस टू वाई प्लस फिफ्टीन वाई विल बी प्लस थर्टीन वाई सेवन माइनस ट्वेल्व विल बी माइनस फाइव है ना बहुत सिंपल सो वाई निकालना है तो थर्टीन को क्रॉस मल्टीप्लाई सो इट विल बी माइनस फाइव अपॉन थर्टीन वाई की वैल्यू

थ्री एक्स इज माइनस माइनस प्लस फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव बाई थर्टीन इक्वल टू फोर अब ये होने के बाद में सिंप्लीफाई करने के लिए जितने भी कॉन्स्टेंट है सब एक साइड लेके चले जाएंगे सो थ्री एक्स इक्वल टू फोर ये प्लस ट्वेंटी फाइव बाई थ्री थर्टीन इक्वल टू क्रॉस कर रहे हैं तो माइनस ट्वेंटी फाइव बाई थर्टीन बस थर्टीन फोर टू लिख दिया फिफ्टी टू माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टीन इज इक्वल टू थ्री एक्स बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं बहुत इजी है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए थ्री को क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा थ्री इन टू थर्टीन ऊपर थ्री थ्री नाइन सो x विल इक्वल्स टू नाइन अपॉन थर्टीन बहुत सिंपल है दोस्तों so क्या लिखेंगे एक्स कॉम वाई एक्स इज नाइनटीन बाई थर्टीन वाई इज माइनस फाइव बाई थर्टीन हो गया सिंपल अब देखिए लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं ऐसे दिस एलिमिनेशन मेथड के लास्ट क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में सो so, देख लेते हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड नॉट बाय सबस्टिड्यूशन मेथड सो एक्स बाय टू प्लस टू वाई बाई थ्री इक्वल टू माइनस वन अब इसको ए एक्स प्लस क्वल टू सी के फॉर्म में लेके आएंगे सो थ्री इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री एक्स प्लस टू टू जोर वाई अपॉन थ्री टू जिक्स इक्वल टू माइनस वन सो दिस थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू सिक्स इंटू माइनस वन इज माइनस सिक्स दिस इज इक्वेशन नंबर वन सिंपल है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला इक्वेशन पे आते हैं x माइनस वाई बाई थ्री इक्वल टू थ्री अब इसको भी ए एक्स प्लस बीवाई इक्वल टू सी के फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री इंटू एक्स विल बी थ्री एक्स माइनस वाई द होल अपॉन थ्री इक्वल टू थ्री अब देखिए क्या करते हैं दिस इज थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री को टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री थ्री सर नाइन नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर टू यहां पे भी थ्री एक्स है यहां पे भी थ्री एक्स है पहले से ही इसका कोई एक्स का सेम है टेंशन ही नहीं है इक्वल तो है ही अब सिर्फ एलिमिनेशन मेथड देखना है एलिमिनेशन मेथड के लिए इधर भी प्लस थ्री है इधर भी प्लस थ्री है मतलब साइन सेम है साइन ओपोजिट होगा तो जाके वो कैंसिल होगा ऑपोजिट होने के लिए माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू इक्वेशन वन इज थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू माइनस सिक्स एंड दिस इज थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू नाइन साइन चेंज करना पड़ेगा बिकॉज माइनस कर रहे हैं तो प्लस था तो माइनस माइनस था तो प्लस प्लस था तो माइनस नाउ दिस इज प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स कैंसल्ड फोर प्लस वन विल बी फाइव वाई इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस नाइनस माइनस फिफ्टीन वाई विल बी इक्वल टू माइनस फिफ्टीन अपॉन ये फाइव को क्रॉस मल्टीप्लाई ताकि वाई का वैल्यू मिल सके सो वाई विल बी फाइव वन जास थ्री वाई की वैल्यू मिल गई वाई की वैल्यू मिलने के बाद में वी विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वाई ताकि एक्स की वैल्यू मिल जाए किस में डालें सबसे ईजी वाला सेकेंड वाला है सो वी विल सब्सटीट्यूट वाई इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन टू थ्री एक्स माइनस वाई y टू नाइन सो थ्री एक्स माइनस वाई के जगह पे माइनस थ्री इक्वल टू नाइन सो थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री इक्वल टू नाइन अब क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे सो थ्री एक्स इक्वल टू नाइन कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट के पास प्लस थ्री इक्वल टू क्रॉस करेगा तो माइनस थ्री सो थ्री एक्स विल बी इक्वल टू नाइन माइनस थ्री विल बी सिक्स ये थ्री को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी सो एक्स विल बी इक्वल टू सिक्स अपॉन थ्री थ्री हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री थ्री टू जै सो एक्स विल equal टू टू एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई इसका मतलब यह है कि हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया मतलब सोल्यूशन मिल गया सोल्यूशन मतलब क्या है एक्स कॉमा वाई एक्स इज टू माइनस थ्री ये हो गया हमारा सोल्यूशन अब सोल्यूशन मिलने के बाद में यहां पे हमारा सब ये एलिमिनेशन मेथड खत्म हो गया अब ये एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए तो आप घर में बहुत प्रैक्टिस करें इसका और एलिमिनेशन मेथड आ जाएगी तो अगला जो वीडियो हम लेके आने वाले हैं वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम पे बेस्ड है स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में भी लिख के दिया गया है कि एलिमिनेशन मेथड यूज करके ही सॉल्व करना है सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी एलिमिनेशन मेथड आए आप पूरा अच्छे से आएगा तभी आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर पाओगे स्टेटमेंट प्रॉब्लम में तो आप घर में बार 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 ऐसे क्वेश्चंस लेके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें सब्सिट्यूशन मेथड मेथड में भी हमने कुछ क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन को भी हम एलिमिनेशन मेथड में से सॉल्व कर सकते हैं तो ट्राई करें आप वो उसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी आज के लिए बस इतना ही होप करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत जानकारी आपको इससे मिली होगी तो अगर पसंद आया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं लाइक like करें सब्सक्राइब करें और बहुत 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 सारा शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी मिल जाए और जो भी टेंथ में है सारे लोग इससे पढ़ सके और हां डोंट मिस टू हिट आइकन ताकि फर्दर अपडेट आपको मिलती रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ तब तक गुड बाय अलविदा कीप वॉचिंग कीप लर्निंग विथ एडू